जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम कलिंग फूड टच में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे जगन्नाथ जी का जो अनवसर नीति होता है, आप उसको अपने घर में कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से अपने जगन्नाथ जी को अनवसर में सेवा प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई बहन हैं जो जगन्नाथ जी को घर में स्थापित किए हुए हैं, और जगन्नाथ मंदिर में जो अनवसर नीति होता है वो अपने घर में करना चाहते हैं, वो सब कुछ देना चाहते हैं जो जगन्नाथ जी के पास लगता है। देखिए, जगन्नाथ जी तो मूल मंदिर है, मूल स्थान है, मूल धाम है, वहाँ की नीति अलग होती है। उड़ीसा में ऐसे बहुत सारे जगन्नाथ मंदिर हैं जो बहुत पुराने हैं, जिनके यहाँ पर स्नान यात्रा की नीति होती है, अनसर की नीति होती है, लेकिन वो सारे रिचुअल्स फॉलो नहीं होते जो जगन्नाथ मंदिर में की जाती है। जैसे फुलुरी तेल लागी हुआ, दशमूल मोदक हुआ, ये सब सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में होता है। बहुत कम मंदिर या फिर ना के बराबर मंदिर होते हैं जहाँ पर ये रिचुअल्स फॉलो की जाती है, क्योंकि मूल धाम के जो रिचुअल्स होते हैं अलग होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप घर में करना चाहते हैं उसको, मैं सिंपल वे में बता दूंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने एक दो दिन पहले शायद फुलुरी तेल का रेसिपी डाला था कि आप घर में फुलुरी तेल किस तरीके से बना सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। दशमूल मोदक, हम आज ये वीडियो के बाद हम दशमूल मोदक डालेंगे कि दशमूल मोदक में जो जो सामग्री लगती है वो क्या क्या लगता है, जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो घर में आप किस तरीके से जगन्नाथ जी की अनवसर की सेवा कर सकते हैं, तो जगन्नाथ जी की जो अनवसर की नीति होती है वो स्नान पूर्णिमा के दूसरे दिन से शुरुआत होती है, जिस दिन को कहा जाता है प्रतिपदा। प्रतिपदा से भगवान जी का राहु रेखा, जो सर में उनका चीता होता है राहु रेखा, उसको उलागी किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर जो चतुर्थी तक दिन होता है, भगवान जी का वहां पर कौराला लगी होता है, मतलब जो भगवान जी स्नान करने के वक्त जो कपड़ा उनका भीग गया होता है वो निकाला जाता है, उसको कराला लगी कहा जाता है। तो वो तो आपका नहीं करना है आपको, क्योंकि या तो आपके घर में लकड़ी की मूर्ति होगी या फिर किसी धातु की मूर्ति होगी, तो वो ये प्रक्रिया आपको नहीं करना है। लेकिन प्रतिपदा से लेकर नवयौवन दर्शन तक जो जो प्रक्रिया होती है, आपको क्या यूज करना है क्या नहीं करना है, आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले प्रतिपदा से लेकर एकादशी तक आपको भगवान जी को सिर्फ सफेद कलर के पुष्प ही चढ़ाने हैं, सुवासित हो या फिर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सफेद कलर के पुष्प आपको चढ़ाने हैं। तुलसी आपको नहीं चढ़ाना है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर का प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं तो एकादशी तक आपको तुलसी नहीं चढ़ानी है, एकादशी तक सफेद फूल के अलावा कोई और फूल नहीं लगाना है, और एक अखंड दीप लगाना है। अपने घर में किसी भी कोने में आप अखंड दीप लगा सकते हैं, जो कि राशि के तेल से हो, ना घी से ना किसी और तेल से, बल्कि राशि के तेल का दीप आप इसमें लगा सकते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले कि मंदिर की नीति आप फॉलो नहीं कर सकते हर चीज, अगर आपको पता भी हो फिर भी आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। आप जो अपने से कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो आप अपने से कर सकते हैं भगवान जी को स्वस्थ करने के लिए, भगवान जी की सेवा करने के लिए, वो आप करें। बहुत सारे लोगों को फुलुरी तेल चाहिए था, फुलुरी तेल कैसे बनाते हैं, मैंने फुलुरी तेल का रेसिपी भी दिया, लेकिन जो कि पंचमी के दिन भगवान को लगता है, क्योंकि भगवान जी को बहुत सारा स्नान करने की वजह से शरीर दुखता है, तो ऐसे भी जब हमें भी ठंडी लगती है सर्दी लगती है तो हमारे घर में भी मसाज की जाती है जिसको ठंडी और सर्दी लगी होती है, तो भगवान जी तो यहाँ पर मानवीय लीला करते हैं तो उनको भी ऐसे ही मसाज किया जाता है। वो तेल बनाने के लिए 365 दिन लगते हैं, वो आप नहीं कर सकते। अगर आप, मैंने इंग्रेडिएंट्स बता भी दिया, अगर एक दो दिन में आप मतलब बना सकते हैं वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते आप सिंपल सी जो मार्केट में प्योर सरसों का तेल मिलता है या फिर प्योर नारियल का तेल मिलता है वो तो आप घर में ही बना सकते हैं। और अगर तेल नहीं यूज करना चाहते तो प्योर घी का, गाय के घी का आप मसाज कर सकते हैं, जो भी आपने देव है। बहुत सारे लोग तो मसाज नहीं करते, आप थोड़ा सा टीका लगा सकते हैं उस तेल का या फिर उस घी का टीका लगा सकते हैं अनसर पंचमी के दिन। और इस पीरियड में मंदिर में घंटा नहीं बजता, लेकिन आपके घर में तो बहुत सारे दूसरे भगवान भी होंगे जिनको घंटे घंटे के साथ पूजा की जाती है। मंदिर में घंटा इसलिए नहीं बजाया जाता क्योंकि वहां पर भगवान जी को और भी ज्यादा पीड़ा होती है उसके शब्द से, घंटी घंटा के शब्द से उनको और भी ज्यादा पीड़ा होती है जो सर्दी की वजह से उनको होती है। और मंदिर में अनसर पिंडी अलग होता है, ताटी अलग होता है, जहाँ पर पोटी दिया होते हैं आप उनको दर्शन कर सकते हैं, अनसर सेवा के लिए अलग जगह होती है, लेकिन आपके घर में तो एक ही मंदिर होगा जहाँ पर सारे देवता होंगे,
तो वहां पर ये विधि आप फॉलो नहीं कर सकते, तो घंटी घंटा आप आराम से बजा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जैसा हमने कहा, एकादशी तक आप तुलसी मत दीजिए, सफेद फूल का इस्तेमाल करें, और जो मसाज आप करना चाहते हैं वो घी से कर सकते हैं, नारियल तेल से कर सकते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। और नवमी के दिन, जो अनसर नवमी के दिन भगवान को मशरूम लागी करा जाता है, उसमें क्या होता है ना, राशि तेल, चंदन, चुआ और उसके साथ झूणा, उसको लाख बोलते हैं, जो सांवरनी धूप बनता है जिस झूणे से, उसको मिला के भगवान के शरीर पे मसाज होता है। आप तो भगवान के पूरे शरीर में उसको मसाज नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी आप भगवान को टीका लगा सकते हैं। ये गई नवमी की बात। और दशमी के दिन भगवान जी का चौका लागी नीति होता है, और वहां पर भगवान जी को दशमोड़ो जो मोदक होता है वो स्वस्थ होने के लिए भगवान जी को दिया जाता है। तो उसको कैसे बनाएंगे, उसका वीडियो आज हम, जो दूसरा हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि आप उसको कैसे बना सकते हैं। वैसे तो वहां पर मैंने कभी नहीं सुना उड़ीसा के किसी मंदिर में वो लगता है, क्योंकि वो एक गुप्त विधि होती है जो कि मुख्य धाम में लगता है। लेकिन हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको दशमलव विधि चाहिए होता है। अगर आप वो दशमलव मोदक नहीं बना सकते, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है उसको बनाने की, क्योंकि उसमें जो भी सारे चीजें मतलब डाली जाती है वो आपको मिलेगा नहीं। मंदिर की तरफ से जो भी वैद्यराज है वो बहुत मुश्किल से ढूंढते हैं, वो आपको मिलेगा नहीं। तो आप सिंपल खोया का लड्डू बनाइए, उसमें काली मिर्च डालिए, थोड़ा सा कपूर डालिए, और आपका जो दशमूल मोदक है वो उसका एक सिमिलर चीज बनके तैयार हो जाएगा, जो आप प्रभु को दे सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे काली मिर्च का हम घर में उपयोग करते हैं सर्दी कम होने के लिए, तो जगन्नाथ जी को आप खोए का लड्डू जिसमें काली मिर्च और कपूर होगा वो आप जगन्नाथ जी को प्रदान कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दशमूल लड्डू आप दें, तो हमारी आज की दूसरी वीडियो में हम उसको आपको बता देंगे कि उसमें क्या क्या जाता है और कौन से चीज आप अरेंज कर सकते हैं उसको बनाने के लिए, वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आता है एकादशी का दिन। एकादशी के दिन भगवान जी को खौड़ी लागी होता है, मतलब चंदन लागी होता है, ढेर सारा चंदन भगवान जी के लिए पीसा जाता है। मंदिर में 15 किलो चंदन घोरा जाता है, उसमें चुआ, कपूर, कस्तूरी और केसर मिलाया जाता है। इन सारे सामग्रियों को मिला के खौड़ी प्रस्तुत किया जाता है, और एकादशी के दिन भगवान जी को खौड़ी लागी होता है। और आपके पास जो जो सामग्री अवेलेबल होगी, शायद सब कुछ होगा कस्तूरी को छोड़ के, चंदन, कपूर, केसर, ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से मिला के भगवान जी का संपूर्ण मुख श्रृंगार कर सकते हैं चंदन लगा के। और जो स्नान पूर्णिमा के बाद के दिन से भगवान जी के नवयौवन दर्शन का जो पीरियड होता है, उसमें आप भगवान जी के किसी भी एक दिन, अगर आप भगवान जी का श्रीमुख श्रृंगार करना चाहते हैं, मतलब उनका रंग रोगन करना चाहते हैं, उसी दिन कर सकते हैं। और भगवान जी को भोग में क्या लगेगा, वैसे तो हमने जो लास्ट ईयर डाला था कैवल्य हमारी सीरीज थी, उसमें बहुत सारे रेसिपी हैं जो अनवसर में भोग लगते हैं, पोणा, चकटा और एकादशी का भोग। एकादशी के दिन खास भोग लगता है, वो भी मैंने आपको दिखाया था, और इस साल भी हम उस पीरियड में आपको दिखाएंगे कि भगवान जी को आपको कौन सा भोग अलग से देना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये सिंपल से भोग आप दे सकते हैं, पोणा, चकोटा, एकादशी में जो भोग लगता है फ्रूट, ये दें। अगर आप घर में किसी और भगवान के पास अन्न भोग लगाते हैं तो भी आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जगन्नाथ जी को अन्न भोग लगता है और इस पीरियड में जगन्नाथ जी को अन्न भोग नहीं लगता तो हम भी अन्न नहीं खाएंगे या फिर किसी दूसरे भगवान को अन्न नहीं देंगे, ऐसा मत कीजिए। आप अपने दूसरे भगवान के पास जो भी नीति नियम फॉलो करते हैं वो कर सकते हैं। मंदिर के प्रोसेस आप नहीं फॉलो कर सकते, जैसा मैंने कहा कि उनके वहां पर अनसर घर अलग है जहां पर अनसर नीति होती है। आपके मंदिर में आपको जगन्नाथ जी के साथ दूसरे भगवान भी रखे होंगे तो उनका भी आपको ध्यान रखना है उसी प्रकार से। तो सिंपल ये सारे चीजें फॉलो करिए, सफेद फूल दीजिए। एकादशी के दिन आपको तुलसी लगाना है, एकादशी के दिन से ही जगन्नाथ जी को कलरफुल जो फ्लावर होते हैं, गुलाब हो गया या फिर कोई अलग चंपा, जो येलो कलर का जो चंपा हो गया, या फिर जो भी कलरफुल फूल दिए जाते हैं वो जगन्नाथ जी को एकादशी के दिन तुलसी के साथ लगते हैं। तो एकादशी से पहले आप सफेद फूल ही दीजिए, कोई भी कलरफुल फूल मत दीजिए, और एकादशी के बाद से ही भगवान जी को तुलसी और जो कलरफुल फूल फ्लावर्स होते हैं उसको दीजिए। तो ये सारे छोटे छोटे नीतियां आप घर में कर सकते हैं। और इसके बाद आता है जगन्नाथ जी को पहनाना क्या है। आप जगन्नाथ जी को सफेद वस्त्र पहनाइए जिसमें बॉर्डर या तो गोल्डन कलर का हो या फिर लाल कलर का हो, उस तरीके से वस्त्र पहना सकते हैं जगन्नाथ जी को, क्योंकि वो पतला भी होता है
और भारी नहीं होता। और इस पीरियड में जगन्नाथ जी के शरीर में कोई भी अलंकार आप मत रखें, बिल्कुल भी मत रखें, क्योंकि यहाँ पर भगवान सिर्फ झिन्न वस्त्र पहनते हैं, जो कि कॉटन का कपड़ा होता है, बहुत पतला होता है। ऐसे तो बैंगनी कपड़ा भी पहनाया जाता है, लेकिन आप सफेद कपड़ा पहनाए, बैंगनी सफेद दोनों पहनाए जाते हैं, आप सफेद पहना सकते हैं, बैंगनी पहना सकते हैं, लेकिन वो कॉटन का कपड़ा होना था ताकि भगवान को हल्का लगे। तो नवयौवन दर्शन के बाद तो रथ यात्रा होती है, उसके बाद रथ यात्रा में आप भगवान जी को जी भर के भोजन करा सकते हैं, अपने प्रिय भोजन करा सकते हैं। जो भी मंदिर के प्रोसेस हैं थोड़े थोड़े मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप उसको घर में प्रॉपरली फॉलो कर सकें। मंदिर का हर चीज फॉलो करने के चक्कर में आपको बहुत परेशानी होगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जितना सिंपल हो सके उतना रखिए। जैसा मैंने कहा कि उड़ीसा में ना के बराबर मंदिर है जहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, क्योंकि जगन्नाथ धाम जो ये मुख्य धाम है, और उड़ीसा के घर में भी इस तरीके से फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन बाहर के लोग, जो उड़ीसा के बाहर के लोग हैं, ये इसको फॉलो करना चाहते हैं, तो ये उनकी श्रद्धा है। उसकी वजह से मैं एक एक चीज आपको दिखा रही हूँ। फुलरी तेल दिखाया मैंने और दशमलव मोदक भी दिखाऊंगी, अगर आप बना सके तो आप जरूर दें। तो ये थी आप किस तरीके से जगन्नाथ जी की सेवा कर सकते हैं अनवसर पीरियड में। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।